तभी आके जो तेरी देखी शराबी ये बस भी आ चुकी है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मैं ठीक हूँ और ना भी खुश भी हूँ और नहीं हूँ, क्योंकि भाई आईआईटी जम्मू जा रहा है। आज है 22 तारीख और मैं जा रहा हूँ आईआईटी जम्मू। यहाँ से अभी जाऊँगा जबलपुर रेलवे स्टेशन से भोपाल, भोपाल से जाऊँगा आईआईटी जम्मू, वहाँ से आईआईटी जम्मू में जाना है, वहाँ से हमारा टूर जाएगा आसाम के लिए। तो मैं इस ब्लॉग को थोड़ा थोड़ा करके डालूँगा जब तक आसाम नहीं पहुँचता। तो दुख हो रहा है कि अकेला जा रहा हूँ, हिलाल का नंबर भी आया था, इसने कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों मैं आया था उजके के साथ, उजके मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आया था। और कहाँ से आया था? ज्ञान गंगा से आया था। हाँ, ज्ञान गंगा से। और बहुत देर तक हम बतियाते रहे, कम से कम दो ढाई घंटा। हाँ, दो घंटे, दो घंटे। तो दोस्तों मेरे साथ उजके था, उजके चला गया। अब तो मैं अंदर रेलवे स्टेशन पर जा रहा हूँ, अब मुझे अकेले को ये सफ़र तय करना है जम्मू तक, और फिर वहाँ से दोस्त मिल जाएंगे। अब फर्स्ट टाइम मतलब कि अकेला जा रहा हूँ और इतना लंबा सफ़र अकेला, आपको पता है बहुत ज़्यादा मुश्किल रहती है। कहीं बाहर भी जाना हो तो सामान होता है, तो सामान छोड़ के नहीं जा सकते, कोई चोरी ना कर ले, तो बहुत दिक्कत रहती है। तो लोग कोई नहीं, पहुँच जाते हैं, फिर जम्मू में मिलेंगे आपको। तो दोस्तों पहुँच गए हम आईआईटी जम्मू और कुछ फ्रेंड्स मिल गए हैं, इंट्रो आपको बाद में देंगे, फिलहाल अंदर जाएंगे। तो बहुत सारे दोस्त मिल चुके हैं, हम यहाँ पर एंट्री करके गेट पे अंदर आ चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी। मेरे साथ ताहिर भाई हैं और मैं सोचा कि आईआईटी जम्मू को थोड़ा घूम लेता हूँ, दोबारा आने का मौका मिलेगा या नहीं मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अंधेरा आ रहा है। कोई नहीं, आप अंधेरे में भी देख लेना, ज्योग्राफिकल मैप दिखाते हैं आपको। हम आईआईटी जम्मू का, आईआईटी जम्मू दिखा लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपसे। ये आईआईटी जम्मू का ज्योग्राफिकल मैप, ये ताहिर भाई जहाँ, तो देखो भाई खुद खुल गया सेंसर। ये हम इंजीनियर का कमाल है, मेरा नहीं है। चरखा बापूजी का, लेकिन हम इसको फेर नहीं सकते, ये बीच में बूटा लगा है, लेकिन पानी नहीं दे सकते। देखना मैं बाहर जा रहा हूँ, खुल गया। अंदर हम एक और मस्त सी चीज़ देखने जा रहे हैं, एक शेर बना हुआ है और शेर के सर पे घड़ी लगी हुई है। और सोचो सोचो अब कैसा हो सकता है, ये इमेजिन करो। मैं तो नहीं करूँगा क्योंकि मैं जाके देखने वाला हूँ। अरे 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 वाह, आईआईटी जम्मू, सीनियर सीनियर नहीं, नज़ाकत भैया। ओके, हमारे साथ राबिया शफीक मैम, मैम बोलेंगे। नहीं, मैम चलेगा। जर्नलिस्ट हैं, इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन, इंटरनेशनल चैनल पे, बहुत बड़े बंदे हैं, हम छोटे बच्चे हैं। हम सब एक हैं और इस ग्रुप पे जब हम जाएंगे ना, सभी एक मुकाम पे डाउन टू अर्थ रहकर चलेंगे, एंजॉय करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे काफी कुछ, और डाउन टू अर्थ वापस आकर एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में जरूर सिखाएंगे। जी मैम जरूर। सर मैं आ गया ना, तू भी चेयर पर चल ले। जी एमएम कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अगर आप सभी चाहते हो तो मैं आपको लीड कर सकता हूँ, सर को आपकी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, अगर आपका कोऑर्डिनेशन रहेगा। So, मेरा नाम आदिल हुसैन डार है और मैं अभी जॉब कर रहा हूँ वॉक्सवैगन, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैंने इंजीनियरिंग की है गोवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। सो इतना तो है कि अदर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लोग जो है मिलेंगे तो इनको कैसे संभालना है, मैं संभालूंगा नहीं, हम मिल के लीड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए, वो मैनिफेस्टो में बहुत बड़ा चीज़ होना चाहिए हमें। और सबसे बड़ा चीज़ जो है मतलब एज अ लीड, लीड क्यों करना है, ताकि हमें वी हैव टू हेल्प ईच अदर, बिकॉज रेलवे है कुछ भी हो सकता है। देगा भाई एनआईटी वाले ऐसे सारे आए थोड़ा सा गटरल है, ओ तो समझ जाएंगे कि जो इक्वल नहीं होता है, अन इक्वल का दो मीनिंग है। एक मान लीजिए फैक्ट्स अबाउट आसाम, आई डोंट नो टू मेनी फैक्ट्स अबाउट आसाम,
I should only spend maybe 5 to 7 minutes just with a kind of... लगभग उस टाइप का होता है आसाम का. They greet guests by giving you what is called, they call it tamul, a little piece of kacha supari and a pan ka patta and that stole. That is considered getting an extra day in Guwahati. So, rock inscriptions, Nilachal Hill, you will be taken Guwahati. Line that you have to finish, start in February and finish in March. So the outgoing batch from J&K to Northeast, I think we are paired with IIT Guwahati. So they will go and stay there. And they'll spread around and they visit the places around Guwahati only. And 4 things they will try to cover, what they call parampara, tradition, paryatan, sorry. It's tourism, pragati, development, and pradogiki, is technology and enterprise, and paraspar sampark, people to people connect. Such a big country with such a great contrast. Jo log grass mein jaate hain, minus 37, minus 50, 40 and the hottest places in Rajasthan, this is one country which amazes you. India mein, Europe mein kitne ये अपना IIT जम्मू है और ये यहाँ पर हमारे लिए बस तैयार या फ्लैग वगैरह सब कुछ देख रहे हो आप. बेटा ऐसा करो फटाफट आप ऑर्गेनाइज हो जाओ, आप लोग को विदा करो, फिर जितनी मर्जी फोटो खींचो यार. जी सर. यार एक बार कलेक्ट हो जाओ सर. आ जाओ तो फोटो में अपने तो दिल का बता दे चाँद में आना, इतना बता दे तुझको चाहत में अपनी मुझको क्यों तो नहीं इतिया, फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूँ मिलने पूछूं तुझे एक बार. हमारी मैम फर्स्ट टाइम IRCTC वालों को दिल से शुक्रिया बोलने का मन हो रहा है. इन्होंने इतने अच्छे से हमारी देखभाल की है. हमें खाने में मटर पनीर वो भी फ्री में, उसके बाद फुलके देखिए चपाती खाने में दी, और खाना ख़त्म होने के बाद पानी भी फ्री में दिया, वो भी दो दो तीन तीन बॉटल ला के जिनके पैसे लेते थे, और लास्ट में मैं आइसक्रीम भी ला के दी यार. अभी बोल रहे थे कुछ और सेवा करें क्या, मैं अभी हाँ माउथ फ्रेशनर भी दिया है, ये देखो पेपर भी दिया है, सब कुछ दिया है यार. आज तो मैं इनको 5 स्टार की जगह 10 स्टार रेटिंग होती वो भी देता. घर से कभी इतनी इज्जत नहीं मिली थी. हाँ यार बोल रहा हूँ कसम से, आज मैं बोल रहा हूँ रोज रोज ऐसा करेंगे तो आदत पड़ जाएगी. दूसरी बार भी तो सफर करना है ना ट्रेन में. अपने प्यारे प्यारे बच्चे आ गए हैं, हमने भी नहीं धोया है. हेलो गाइस, ये सब के सब पहुंच चुके हैं. आजा आजा
और मीना को गप्पी नहीं लगा कर बोला था ना, यहाँ पर भी कुछ इंतजाम किए गए हैं, तो ये यहाँ पर गेस्ट रूम बैठक रूम जो भी बोलो यहाँ पर लेके जा रहे हैं, यहाँ पर आपकी खातिरदारी की जाएगी। जी कैसा लग रहा है भैया? फीलिंग आए हाय, गेम खेल के जा रही है, हम एक नाम दे रहे हैं और देख रहे हैं उसको किस किस को पता है कि वो चीज़ के बारे में, कोई भी खाने वाली चीज़ कोई भी हो सकती है। आलू अभी सब हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, किसको नहीं पता वो बताओ। मेरा सवाल है सबसे, और चुप मेरा सवाल सुनो, मेरा सवाल है कि एक बंदा है उसके पास एक बकरी है, घास है और शेर है और बीच में दरिया, उसको दरिया के पार तीनों को करना है, वो कैसे करेगा? आप बताइए जवाब राबिया मैम, उसके बाद बताओ इसका जवाब बहुत मस्त है, जवाब बताओ। हाँ नहीं कुछ भी कर सकता है, आप बताइए। नहीं शेर घास को पहले कैसे ले जाएगा, पहले किसको ले जाएगा? वो उसको सिर्फ सिंगल को लेके जाएगा, दो को नहीं ले जा सकता। इसका जवाब जो बता गया बस, नहीं उसके पीछे थोड़ी, उसको वो खुद एक एक को लेके जाएगा, घास को लेके जाएगा, शेर को बकरी खा लेगी। अरे वही जो भी खाएगा एक दूसरे को खा लेगी ना, घास को लेके जाएगा तो शेर बकरी को खा लेगा। हाँ पहले तू खुद डिसाइड कर ले क्या लेके जाना। सही सही बस हो गया खत्म हो गया, सही बोला। तो अब हमारा टाइम हो चुका है और अब हम सारे जा रहे हैं दिल्ली वाली ट्रेन में, दिल्ली से ही ये नहीं आते भाई, ये यहाँ पर हम ठहरे थे IRCTC के गेस्ट हाउस में और अब सब चल पड़े रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन है 425 पे ना भैया, 420। हाँ ये हमारे भैया जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन गोवा, कम हियर ब्रो। और अब हम जाएंगे, अब हमारा सफ़र तय होगा गुवाहाटी का, यानी एक्सप्रेस है, इसमें हम जाएंगे IIT गुवाहाटी। दोस्तों इस युवा संगम ने हमें बहुत कुछ सिखाया और अभी हमने यहाँ पर सीखा कि हमें अपनी लैंग्वेज ही, हमें अपना कल्चर भूल चुका है, हमने अपनी लैंग्वेज की लत बांध तोड़ दी है, पहन लिया जनाजा गाड़ लिया, तो हमें पता चला कि हमें अपनी लैंग्वेज को भी साथ लेके चलना चाहिए। जैसे जैसे जनरेशन जैसे जैसे हम मॉडर्न बहुत अच्छी हमारी यहाँ पर बातचीत हुई और उसमें पता चला कि हमने अपनी जो हमारे कल्चर जो हमारी लैंग्वेज जो हमारी बोली थी उसका हमने जनाजा निकाल दिया। हाँ भैया तेरे को क्या लगता है जीवन की दिक्कत क्या है? भैया जीवन की दिक्कत बहुत सारी, मैं बताने बैठ जाऊंगा तो खत्म ही नहीं। काफी नस काफी वो क्या होता है वही दिक्कत। मुझे भैया औरों से मिलके सच बताऊंगा बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा। नहीं सबसे ये क्या होता है आगे शबाश हमें भी बोलते सोया स्लीप सोया। अरे इसको किसको मारा है? सुसाइड नहीं कर रही हम लोग, नहीं मरा है। अरे आप उल्टा मत, एक मिनट भूत आत्मा जिंदा एक मारो सबको, एक मर्डर जो मरेगा मर्डर हुआ मर नहीं रहा है मर नहीं रहा है मर अमर 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 सब पहुंच चुके हैं ब्रह्मपुत्र ये गुवाहाटी, तो अब सब उतरे हैं, चुके हैं आसाम की धरती पे और जा रहे हैं हम बाहर। भैया ये है भैया आसाम जहाँ पहुंच गए हम, लेने के लिए यहाँ पर, और ये सब आ रहे हैं बच्चे, अब सबकी काउंटिंग वगैरह होगी उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे और हम आपसे बाद में मिलेंगे थोड़ी देर में, यहाँ पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा। गाइस वेलकम टू जावेद यूट्यूब चैनल, प्लीज डू शेयर लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू, शो योर ट्रेमेंडस लव।
And do press the bell icon so that you get notified whenever we post any video. Thank you, thank you. YouTube सुन 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 लो भाइयों. हम आसाम की धरती पे पहुंच चुके हैं और हिंदी हम यहाँ पर बहुत कुछ सीखने के लिए आए हैं और बहुत कुछ सीख के जाएंगे. वी आर वेरी थैंकफुल टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ जो और हमारे प्राइम मिनिस्टर, बहुत बहुत थैंकफुल हैं हम. मिस्टर मोदी शुक्रिया. बहुत सारे ये जो ग्रेट स्टेप उठाए, इससे क्या होगा जो बैकवर्ड सोसाइटी के बच्चे हैं उनको भी मौका मिलेगा, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विजिट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे नई नई चीज़ें, डिफरेंट ट्रेडिशन देखेंगे. हम अपना ट्रेडिशन लेकर जाएंगे, वो खुद का ट्रेडिशन, मतलब वहाँ से हमें एक्सपोजर उसका भी मिलेगा. प्लस ये भी होगा जो माइंड सेट हम देखेंगे, इससे क्या होगा जब हम उनकी बातें सुनेंगे, हम अपनी बातें उनको कहेंगे, तो एट द एंड एक लाइन पर सारों का एक माइंड सेट बनेगा. जब एक कंट्री का एक हर एक सिटीजन के पास एक ही माइंड सेट होता है, उससे एक कंट्री बैलेंसड स्ट्रांग डेवलपमेंट बनती है. पीछे हो जा, पीछे तो हो यस ब्रो, अब पहुंच गए हैं. सॉरी, रेलवे स्टेशन आईआईटी गुवाहाटी नहीं पहुंचे, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं. आप देख सकते हो गुवाहाटी भाई, पहुंच गए हम गुवाहाटी आईआईटी गुवाहाटी में. यहां से आपको दिख नहीं रही होगी, हम टेम्पो में हैं. इस साइड से हम आपको, मेरा मोबाइल ना नीचे गिर जाए, बस आप देखते रहो. वाओ यार देख, लेकिन लाइट है ना, पड़ा नहीं जाएगा. ये बीच सुबह के टाइम आएंगे तब बनाएंगे, तब और ही नज़ारा होगा. अभी आप रात के टाइम का देख लो. वाओ.